हेलो गाइस, के गिल फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, सत श्रीकाल सारे नु मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल। के गिल यूट्यूब में आपका सभी का स्वागत है। आज मेरी वीडियो स्ट्रेच के ऊपर है, बॉडी को स्ट्रेच कैसे करें। संडे को भी कर सकते हो आप, आपका शरीर को स्ट्रेच देना जरूरी होता है। वार्म अप करें पहले, फिर स्ट्रेच करें। वार्म अप जरूर करें क्योंकि पहले हमारे शरीर को ग्रूमोंड किया जाता है। पहले सबसे पहले शरीर को ग्रूमोंड जरूर करें क्योंकि हमारी इंजरी की शिकायत ना हो पाए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट तो जरूर करना, सबसे पहले तो कमेंट करना, फिर लाइक करना। कमेंट तो जरूर बनता है क्योंकि मुझे पॉजिटिव फील होता है आप कमेंट करते हो। तो लाइक शेयर दोस्तों में करना, रिश्तेदारों में करना, व्हाट्सएप पर कहीं भी आप करना, जरूर करना। आप मेरे मुझे चाहते हो तो मुझे कैगिल फिटनेस सब्सक्राइब करना, लाल बटन है नीचे की तरफ दिया हुआ लाल बटन है, उसके साथ ही गूगल प्रेस घंटे को प्रेस करना। जब भी मैं फ्यूचर में नई वीडियो अपलोड करूँगा तो एक या दो तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैगिल फिटनेस में आज नई वीडियो अपलोड हुई है। और उसे पर क्लिक कर आप वीडियो देख सकते हो कि आज नई वीडियो आ चुकी है। और लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, बिना वेस्ट के टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें स्ट्रेचिंग क्यों करनी चाहिए, बॉडी के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है स्ट्रेचिंग। हफ्ते में संडे को आप संडे को भी कर सकते हो, एक हफ्ते में दो बार जरूर करा करो। या जब जिम में जो जहाँ भी हो आप ग्राउंड में करते हो, लास्ट में जरूर करो स्ट्रेच, बॉडी जरूर करा करो। और स्ट्रेच से हमारे बहुत कुछ मिलता है, स्ट्रेच से हमें, जैसे एक चित्ता नहीं होता, चित्ता जब इतनी तेज़ दौड़ता घोड़ा तेज, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रेच होती है पूरी तरह। जो से एथलीट होते हैं, एथलीट से रनिंग तेज होती है जिनकी, वो उसकी स्ट्रेच पूरी तरह स्ट्रेच होते हैं। आपकी फुर्ती और सब फुर्ती भी आती है पूरी तरह, और आपका स्टेमिना बढ़ता है। स्ट्रेच तो बॉडी को चाहिए। और स्ट्रेच के लिए चलो आप वार्म अप जरूर करें। मैं रनिंग करके आया हूँ क्योंकि आपकी इंजरी की शिकायत ना हो पाए। और लेट्स स्टार्ट करते हैं स्ट्रेच बॉडी कैसे करें। अपने आईज को बंद ना करें, ओपन करें। किसी के आदत पूरी नीचे लगते हैं तो आप पूरी तरह लग रहे हैं, मैं लगा रहा हूँ पूरी तरह। किसके नहीं लगते हैं तो फिर देख सकते हो आप, पैर को पूरा दर्द पड़ेगा और लेग को भी दर्द पड़ेगा, दर्द तो होगी जरूर, पूरा खींचे अपने स्ट्रेच तब भी होगा। और आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे भी करें, ये भी स्ट्रेच का अपने हाथ दोनों या ऐसे और अपने ये तरीके अपने गाने बोलो पर ये देखो क्या ये ब्रेक इससे बॉडी पूरी खींचती है, स्ट्रेच ऑफ किया, स्ट्रेच में आती है। अपने लेग पूरी ऊपर सीधे ऊपर कर सकते हो, ऊपर
लेग जितनी ऊपर कर सको उतना करो आप लेग मेरे तो पूरे लेग लग जाते हैं पूरे नीचे पूरे आप करके रखो तुम जाते हो और आप भी ऐसे करना चाहते हो तो अब मैं लेग की एक लग मेरे पर ये सी कर वर्कआउट लग बताऊंगा टिप्स कैसे अपने लेग को पूरी तरह से है कैसे उसे स्ट्रेच कर पूरी तरह ठीक है ठीक है ओके एक लग आप लग मेरे दोस्त टाइप फ्रेंड चाहिए मैं वर्कआउट करने के लिए मैं अच्छी जॉब में पूरी तरह से मुझे आता है कि कैसे मैं करूँगा आपको फ्रेंड खींचे इससे आपकी ये लेग खींचेगी पूरी तरह क्योंकि मेरा फ्रेंड ने अभी कोई और इसी फिर उसको दूसरी दूसरे पैर को कहना यहाँ पर पैर रखो वो यहाँ पर पैर रखेगा और अपने आस आपकी लेग को उठाएगा पूरी तरह सीधी ऊपर सीधी और ऐसी इस साइड से यहाँ पर पैर रखेगा आपका दोस्त यहाँ पर हाथ ऊपर पूरी पूरी तरफ और ऐसे इस साइड करना आपने इस लेग को इससे आपके लेग को पूरी तरह मिलेगी और पूरी तरह स्ट्रेच होगी एक या दो दिन में आपके यहाँ पर लेग पीड़ नीचे की तरफ स्पाइन यहाँ पर पीड़ हो सकती है दर्द महसूस हो सकता है एक दो दिन में दिन लगेगा थोड़ा थोड़ा सा लगेगा आपके यहाँ पर आप मुक्के भी मारोगे तभी आपको ऐसे लगेगा कि दर्द हो रहा है आपके यहाँ पर कोई बात नहीं है एक दिन रेस्ट कर लेना फिर ठीक हो जाएगा नॉर्मली है तो फिर आप रोजाना करना आपके लेग इस तरह लगेंगे रोज़ आप रोज़ करोगे लेग की ऐसी एक्सरसाइज तो आपके ऐसे लगेंगे लेग नीचे पूरी तरह नीचे ऐसा कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो आप अपने लेग पीछे की ओर ऐसे कर सकते हो तो ड्रॉ कर दो जरूर करें जिसको नहीं आता वो ना करें अभी क्योंकि स्पाइन पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा ना करो आपको नहीं आती तो सीखो ट्राई करके देख लेना और एक लेग की बता दो छोटी सी ये लेग की है ऐसे पूरी ये कर सकते हो और तो आगे स्टेप आप ऐसा कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो आप
अपने नेक पीछे की ओर ऐसे कर सकते हो तो ड्रो कर दो। जरूर करें, जिसको नहीं आता वो ना करें अभी, क्योंकि स्पाइन पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। ना करो आप, आपको नहीं आती तो सीखो, ट्राई करके देख लेना। और एक लेग की बता दो छोटी सी, ये लेग की है। अच्छा, ऐसे पूरी नहीं ये कर सकते हो। और तो आगे स्टेप, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप अपने लेग पीछे की ओर ऐसे कर सकते हो तो ड्रो कर दो। जरूर करें, जिसको नहीं आता वो ना करें अभी, क्योंकि स्पाइन पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। ना करो आप, आपको नहीं आती तो सीखो, ट्राई करके देख लेना। और एक लेग की बता दो छोटी सी, ये लेग की है। ये कर सकते हो। और पहले ये आपको कोई समझ नहीं आएगा मैंने कैसे किया, से भी कोई कठी की मैंने एक्सरसाइज अभी मैं समझाता हूँ कि पहले ये वार्म अप करके जरूर गर्म अपने शरीर को करके, पहले ये वन सांस बाहर की तरफ पूरी तरह, फिर दूसरी ये अपने हाथ जितना हो सके आप हाथ लगाओ नीचे जितना हो सके, दूसरी ये और तीसरी ऐसे, और जो सी चौथी सी वो लेग की है वो ऐसे। और दूसरी ऐसे चौथी, और ऐसे ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे यहाँ पर आप नीचे अपने स्पोर्ट, फिर ऐसे ये होगी, फिर ऐसे आप अपने लेग की तरफ ऐसे, फिर इस साइड आपने ऐसे करना। और दोनों से लास्ट बताइए कि लैग को कैसे खींचे दोस्त की सहायता से, वो ऐसे करने अपने इसे आपके लेग के लेग जो से आप स्ट्रेच जब करोगे एक्सरसाइज करोगे ये, और आपकी यहाँ पर दर्द महसूस होगा यहाँ पर होगा
थोड़ा तब होने शुरू हो जाएगा कि आप घर जाओगे तब कर आपके थोड़ा थोड़ा प्रेशर पड़ेगा यहाँ पर, दर्द महसूस होगी, दो तीन दिन नॉर्मली रहेगी, फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। और मेरी लैंग्वेज जब पंजाबी है, पंजाबी के ऊपर मैं वीडियो बनाया करूँगा, और हिंदी आप कमेंट कर सकते हो, हिंदी में मैं बना सकता हूँ, मिक्स चलेगा हिंदी और पंजाबी वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइबर।